हेलो एवरीवन, संजीवनी नेचुरोपैथी के हेल्थ गाइड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में आपने अब तक अपने हाथ, पैर, सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड की जानकारी ली। ये वीडियो इस सीरीज का लास्ट वीडियो है जिसमें शरीर के मिडल फ्रंट पोर्शन की जानकारी हम लेंगे। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हेलो, लास्ट वीडियोज में हमने पैर, हाथ, हेड, गर्दन और इसके पीछे वाला भाग मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके बारे में जानकारी ली, किडनीज के बारे में जानकारी ली। अभी आगे जाते हैं और हमारे शरीर के बाकी के हिस्सों के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हमें लगेगी जिमी या ये वाली जिमी, या आप थंब यूज कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है, जिमी या थंब नहीं है, तो आप पेंसिल यूज करो, उससे भी काम चल सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हमारे पाम में, हमारे हाथ के आगे वाले हिस्से में आते हैं। पूरा शरीर ही आगे वाले हिस्से में आ जाता है। चालू करते हैं यहाँ से, गर्दन के अंदर ट्राकिया, थायराइड ग्लैंड। जैसे जैसे नीचे आते हैं, ये जो बड़ा बल्ज रहता है अंगूठे के नीचे, उसके सेंटर में आता है हार्ट, और हार्ट के दोनों तरफ लंग्स रहते हैं। ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो हार्ट की कोई भी बीमारी, पाल्पिटेशन हो, तो हमें ये एरिया में प्रेशर देना है। लंग की कोई बीमारी है, खांसी है, सर्दी है, तो यहाँ पे हमें ट्रीट करना है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये है डायफ्राम की लाइन। अगर हमें हिचकियां आती हो तो यहाँ प्रेशर देके हिचकियां कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रेशर देके नहीं रुक रहा है तो ये लाइन पे हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं। जहां पे भी पॉइंट्स मिलते हैं वहां पे प्रेस रिलीज करो, आपकी हिचकियां बंद हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये है लीवर। सो लीवर से एसोसिएट जो भी प्रॉब्लम्स है या जिन प्रॉब्लम्स में लीवर को ट्रीटमेंट देना जरूरी है, तो ये पोर्शन में ट्रीटमेंट देना है। या तो प्रेस कर करके आप पॉइंट ढूंढ के निकालो, या पूरे एरिया पे मसाज दो, दोनों काम आप कर सकते हो। आगे जाते हुए ये स्टमक है, तो डाइजेस्टिव जूसेस, हार्मोन्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए हमें यहाँ पे ट्रीट करना है। ये ड्यूओडेनम है, इसके आगे ये है पैनक्रियाज, डायबिटीज जिनको है उन्हें पैनक्रियाज को ट्रीट करना पड़ता है। आगे जाते जाते यहाँ पे आ गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये पोर्शन पे हमें काम करना होगा। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका कुछ भाग जो है वो हमारे लंग्स के नीचे छुपा हुआ है। तो अगर यहाँ पे जो ओपन पार्ट है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रहा है प्रेस करने से, तो आप दूसरा हाथ लीजिए और दूसरे हाथ पे ये पोर्शन पे देखिए, वहां पे जरूर प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट करना पड़ता है। इसका डायरेक्शन दिया गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे अप एरो, यहाँ पे इस तरफ एरो दिख रहे हैं, और यहाँ से नीचे जाके ये जो वेस्ट मटेरियल है शरीर के बाहर फेंक देता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको इस मूवमेंट में ट्रीट करना है, और अगर लूज मोशन है तो उल्टे मूवमेंट में ट्रीट करना है ताकि लूज मोशन कम हो जाए। आगे जाके देखेंगे तो एक ही बात रह जाती है, अपने गोनाड्स, जेनिटल ऑर्गन्स, जो इसी के यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं, ये पॉइंट है उसका। तो अगर कोई भी बीमारी उसके रिलेटेड है तो आपको यहाँ ट्रीट करना है, और जो एनस है वो आपका आएगा यहाँ पे एकदम एंड में, जो फोल्ड रहता है अपने फिंगर्स का, वहां पे आ जाता है एनस। तो पाइल्स के प्रॉब्लम में हमें एनस को ट्रीट करना है।
तो ये पूरी जानकारी, पूरा शरीर अपना हमारे हथेली पे कैसे आता है, इसकी जानकारी हमने ये सीरीज में ले ली है। इस वीडियो सीरीज में हमने शरीर के ऑर्गन्स को कैसे प्लॉट करना है तथा ट्रीटमेंट कैसे लेना है ये सीख लिया। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। आपने अब तक ट्रीटमेंट ट्राई भी किए होंगे तथा दूसरों की मदद भी की होगी। इन्हें शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देखकर ट्रीटमेंट कर सके और मेडिसिन के बेवजह या ज़्यादा इस्तेमाल से बच सके, इनके साइड इफ़ेक्ट से बच सके। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल पे भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।